नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑप्शन लर्निंग सीरीज के एक और चैप्टर में। काफ़ी चीज़ें जो है हम कवर कर चुके हैं। लास्ट के चार पांच वीडियो जो है हमने स्ट्रैंगल के ऊपर डिस्कस किया था, शॉर्ट स्ट्रैंगल क्यों जरूरी है, लॉन्ग टर्म में जो है शॉर्ट स्ट्रैंगल ऑप्शन सेलिंग का एक जो है बेस्ट मेथड है, और उसमें जो है अगर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़े तो आप जो है कैसे एडजस्टमेंट करोगे। आपको जो है प्रॉफिट वाली साइड को रोल ओवर करना है और जो जहाँ पर लॉस हो रहा है उसको एवरेज नहीं करना है। और फिर जो है हमने गैप अप और गैप डाउन के केस में कैसे जो है आप इन्वर्टेड स्ट्रैंगल बना करके उस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो, ये जो है हमने डिस्कस किया है। तो आज का जो वीडियो है वो स्ट्रैंगल का जो मॉडिफाइड आप कह सकते हो कि जो ड्राइव्ड स्ट्रेटजी है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है, आयरन कंडोर। ओके, तो जितने भी स्ट्रेटजी या जितने भी वीडियो हमने लास्ट के बनाए, आपने देखा होगा कि जो लास्ट वीडियो हमने बनाया उसको जो है इस वीडियो में हमेशा कनेक्टिंग रखते हैं कि मार्केट की क्या नीड थी, उसको जो है कैसे जो है इस स्ट्रेटजी से पूरा कर सकते हैं, क्या उसमें जो है कमियां रह गई थी उसको जो है नेक्स्ट स्टेप्स हम उसको ओवरकम करें। तो जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था गैप अप का और गैप डाउन का, शॉर्ट स्ट्रैंगल का, कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन एक चीज वहां पे है कि अगर गैप अप बहुत बड़े हो जाए, हालांकि इंडेक्स में नहीं होते हैं, स्टॉक्स में जो है डेफिनेटली होते हैं, इसीलिए जो है स्टॉक्स में आपसे कई बार कहा है कि शॉर्ट स्ट्रैंगल जो है स्टॉक के लिए ठीक नहीं है, काफी रिस्क उसमें रह सकता है। अगर आपको स्टॉक के ऑप्शन ट्रेड करने हैं सेलिंग के मोड से तो आप जो है आयरन कंडोर ही कीजिए, या फिर जो है आप आयरन फ्लाई बना के कीजिए, आप जो है नेकेड शॉर्ट्स या फिर स्ट्रैंगल जो है उसमें मत बनाइए, स्प्रेड के थ्रू कीजिए, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि इंडेक्स में इतने बड़े मूव नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में हमने देखा कि 8% के, 9% के, 10% तक के मूव जो है भले ही 14 साल में सिर्फ दो बार ही रहे हों, लेकिन थे वहां पे। तो अगर कुछ बड़े मूव आ जाएंगे, इतने बड़े गैप अप या गैप डाउन हो जाए जो कभी कभार 5 साल में, 10 साल में होती है, तो उस केस में भी जो है बड़े लॉस हो सकते हैं। आप इन्वर्टेड स्ट्रैंगल बना करके उसको जो है डेफिनेटली उस लॉस को मिनिमाइज जरूर कर सकते हो, लेकिन जो गैप इतना बड़ा हुआ उसमें जो है डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से जो है लोग जो है मेनली कॉमन रिटेलर जो है शॉर्ट स्ट्रैंगल नहीं बनाते हैं, खास करके वीकेंड पे या फिर जब मार्केट में कुछ जो है वोलेटिलिटी के मूव ज़्यादा हो या फिर मार्केट में जो है कुछ न्यूज बेस के मूवमेंट जो है चल रहे हो, उस टाइम पे जो है ऐसे पोजिशन लेने से डरते हैं। तो उस केस में जो है स्ट्रैंगल आप जो है अवॉइड करके आप आयरन कंडोर बना सकते हो, ताकि आपकी जो है ऑप्शन की सेलिंग कंटिन्यू रहे। और जैसे कि हमने पिछले कई वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि स्ट्रैंगल लास्ट ईयर तक जो है वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी थी ऑप्शन सेलिंग के लिए, लेकिन पिछले एक साल से जो है इसको रिप्लेस कर दिया है आयरन कंडोर ने। उसका रीजन क्या है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जब सेबी ने लास्ट ईयर नए मार्जिन जो है इंट्रोड्यूस किए, मार्जिन के नए फ्रेमवर्क जो है लागू किए, तब से जो है आयरन कंडोर पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है यानी कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो गई है। और सेम टाइम पे जो स्ट्रैंगल जैसी स्ट्रेटजी है जहां पे अनलिमिटेड रिस्क है वहां पे जो है रिक्वायरमेंट जो है थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, तो उसके कंपैरिजन में वहां पे कैपिटल बढ़ा, यहां पे कैपिटल रिड्यूस हुआ, तो उसने जो है एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है यहां पे क्रिएट कर दिया, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो नीड क्या थी, नीड थी हमारी एक तो मार्जिन कम लगे, ये एडिशनल बेनिफिट है, अच्छा हुआ आयरन कंडोर में मार्जिन कम लगेगा। और मेन नीड जो है हमारी प्रोटेक्शन, अगर मार्केट कुछ बड़े गैप अप या गैप डाउन दे दे या फिर वन वे हो जाए वीक में, अगर हम कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे तब भी जो है हमारा जो लॉस है मिनिमम हो, हमको पहले से पता हो, तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो आयरन कंडोर कंप्लीट करता है। तो आयरन कंडोर होता क्या है एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। आयरन कंडोर जो है बेसिकली एक दो स्प्रेड है, क्रेडिट स्प्रेड है, किसका, कॉल का और पुट का। क्रेडिट स्प्रेड आपको ध्यान होगा, क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, जहां पे हम नेट प्रीमियम जो है सेल कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम महंगी कॉल बेच रहे हैं और साथ में जो है एक सस्ती कॉल बाय कर रहे हैं तो वो कॉल का स्प्रेड बन गया, क्रेडिट स्प्रेड। ठीक, ऐसे ही हम महंगा पुट बेच रहे हैं, महंगा पुट प्रीमियम की बात हो रही है यहाँ पे, स्ट्राइक की नहीं, महंगा पुट जो है बेच रहे हैं और महंगी जो सस्ता जो है पुट ऑप्शन स्ट्राइक बाय कर रहे हैं, तो क्या होगा, पुट का क्रेडिट स्प्रेड होगा। तो आपको ध्यान होगा कि हमने जो स्प्रेड में डिस्कस किया था कॉल के क्रेडिट स्प्रेड कैसे बनते हैं, अगर आप कॉल के क्रेडिट स्प्रेड बनाते हो तो आपका जो है कुछ ऐसे स्प्रेड बनते हैं कि मार्केट का आपका व्यू है कि मार्केट जो है इस रेंज में नीचे रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, तो आप जो है क्रेडिट स्प्रेड बनाते हो, महंगी कॉल जो है बेचते हो, सस्ती कॉल जो है बाय करते हो, ऐसा स्प्रेड बनता है। ठीक ऐसे ही जो है पुट में क्रेडिट स्प्रेड बनता था, आपको ध्यान होगा कि हम जो है एक नीचे की स्ट्राइक बाय कर लेते हैं और एक जो है ऊपर की यानी कि महंगी पुट जो है
है, प्रीमियम बेच देते हैं, हमको लग रहा है कि मार्केट जो है इस रेंज के ऊपर रहेगी, इस रेंज के ऊपर एक्सपायरी होगी, तो जो हम नेट क्रेडिट गेट किया है वो प्रीमियम हमारा होगा। तो ऑप्शन सेलिंग का वही कंसेप्ट है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमने क्रेडिट स्प्रेड जो है पुट में बनाए हैं, क्रेडिट स्प्रेड जो है कॉल में बनाए हैं, इस पूरी स्ट्रेटेजी को ही जो है हम आयरन कॉन्डोर बोलते हैं। तो ओवरऑल आप जो है एक पूरी रेंज को ही ट्रेड कर रहे हो, मार्केट की इस रेंज में रहेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, वो जो है हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहले डेफिनेशन पे आते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम जो है दो पुट और दो कॉल ट्रेड कर रहे हैं, कॉल पुट के जो है चारों ही जो स्ट्राइक है वो अलग अलग है, एक्सपायरी सेम है, एक्सपायरी सेम है और स्ट्राइक अलग है। स्ट्राइक अगर सेम होगी तो वो आयरन फ्लाई बन सकता है, जो शॉर्ट स्ट्राइक है अगर वो हमने सेम कर दी तो आयरन फ्लाई बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चारों स्ट्राइक अलग है और कंसेप्ट क्या है, हम तो जो है नेट क्रेडिट गेट कर रहे हैं, महंगे ऑप्शन बेच रहे हैं और सस्ते जो है आउटसाइड में हम जो है ओटीएम ऑप्शन है वो बाय कर रहे हैं। ओके, तो कंसेप्ट आपको समझ में आया क्या आयरन कॉन्डोर होता है। अब बात आती है कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, नेट हम ऑप्शन जो है प्रीमियम बेचेंगे और उसी को जो है प्रॉफिट करेंगे। जो ऑप्शन सेलर का कंसेप्ट है वही जो है आयरन कॉन्डोर का कंसेप्ट है, हमको जो है प्रीमियम का डीके यानी कि जो थीटा की वजह से हो सकता है या फिर वो जो है आईवी फॉल की वजह से हो सकता है, उसको जो है हमें बेनिफिट लेना है। ओके, और शॉर्ट स्ट्रैंगल जो है हेजिंग विद, अगर इसका आइडिया देखें तो आइडिया क्या है, हमारे पास पहले शॉर्ट स्ट्रैंगल थी, उसको जो है अब हमने हेज कर दिया है, नीचे की तरफ जो है हमने एडिशनल ओटीएम्स जो है बाय कर लिए हैं, कॉल भी और पुट भी, तो स्ट्रैंगल की हेजिंग हो गई, तो वो जो है आयरन कॉन्डोर है। ओके, और ओवरऑल जो है आपका ट्रेडिंग क्या है, यहाँ पे आप जो है एक मार्केट को रेंज बाउंड मार्केट के व्यू को ट्रेड कर रहे हो, आपका जो मार्केट पे व्यू है वो एक रेंज बाउंड है, वो रेंज बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप कितनी दूर की स्ट्राइक सेलेक्ट करते हो। तो अल्टीमेट जो है आप एक मार्केट की रेंज को ट्रेड कर रहे हो कि मार्केट जो है जो भी इंडेक्स है या स्टॉक है वो एक्सपायरी तक जो है इस रेंज में रहेगा और आपको जो है टाइम डीके का और आईवी का भी, आईवी का अगर गिर रहा है तो आपको जो है बेनिफिट करके देगा, प्रीमियम आपको मिलेगा। ओके, और अब बात आता है कि यहाँ पे स्ट्रैंगल से एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि स्ट्रैंगल का ही जो है ये ड्राइव्ड फॉर्म है, स्ट्रैंगल को मॉडिफाई करके बनाया गया है, तो इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है। एक्स्ट्रा बेनिफिट एक तो इसमें ये है कि यहाँ पे हमको लॉस कितना होगा पहले से मालूम है, क्योंकि हमने नीचे की स्ट्राइक बाय कर ली तो हमको पहले से मालूम है कि लॉस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, स्प्रेड में हमको पहले से मालूम होता ना, तो यहाँ पे दो स्प्रेड ही हम ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉस जो है पहले से मालूम है और लिमिटेड है और वो हमारे कंट्रोल में है। जब हम स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तब हम पहले से डिफाइन कर सकते हैं कि हमको कितना प्रीमियम चाहिए, कितना रिस्क चाहिए, कितना रिवॉर्ड चाहिए, वो पहले से हमारे कंट्रोल में है। स्ट्रैंगल में क्या ऐसा था, नहीं स्ट्रैंगल में ऐसा नहीं था, स्ट्रैंगल में जो है लॉस हमारे कंट्रोल में नहीं था, हम जो है उसको अनडिफाइंड था, वहां पे डिफाइन नहीं कर सकते थे, अगर मार्केट हमारी रेंज के ऊपर जाता है या नीचे जाता है तब जो है हमको वहां पे अनलिमिटेड पोटेंशियल जो है लॉस हो सकता था। ओके, अब जो है दूसरा यहां पे बेनिफिट जो है लास्ट ईयर से जो मिलना चालू हुआ है वो मार्जिन बेनिफिट। मार्जिन बेनिफिट क्या है, आप देखो कि अगर आप नॉर्मल स्ट्रैंगल ट्रेड करते हो और अगर आप आयरन कॉन्डोर ट्रेड करते हो तो आपको जो रिटर्न ऑन डिप्लॉयड कैपिटल है वो ज्यादा मिलेगा। डेफिनेटली अगर हम स्ट्रैंगल ट्रेड करते हैं तो हमको प्रीमियम ज्यादा कलेक्ट होगा, मोस्टली जो है हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा प्रीमियम जो है स्ट्रैडल में कलेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद स्ट्रैडल में जो है हर बार ट्रेड नहीं कर सकते, हम स्ट्रैंगल में अपनी सिचुएशन के हिसाब से मार्केट के व्यू के अकॉर्डिंग जो है हम स्ट्राइक सेलेक्ट करके एक अच्छा खासा प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि आयरन कॉन्डोर में प्रीमियम भले ही कलेक्ट कम होगा, कम क्यों होगा, क्योंकि हमने साथ में जो है बाय किया। अगर आपने कोई 60 रुपीज वाली स्ट्राइक बेची और साथ में अगर आपने 30 वाली बाय कर ली तो नेट तो आपने 30 मिला ना आपको, तो यहाँ पे प्रीमियम घट जाएगा, प्रीमियम कलेक्शन घट जाएगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है मार्जिन की वो देखिए कि ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। तो ओवरऑल अगर आप कंपेयर करोगे मार्जिन ब्लॉक्ड पे, मार्जिन कैपिटल जो आपका डिप्लॉय हुआ है स्ट्रैंगल में और आयरन कॉन्डोर में, तो आयरन कॉन्डोर जो है इस मामले में आपको जो रिटर्न ऑन कैपिटल है यानी कि रिटर्न ऑन डिप्लॉयड कैपिटल है, जो आपका मार्जिन ब्लॉक हुआ है, वो जो है ज्यादा शानदार है एज कम्पेयर टू स्ट्रैंगल। ओके, तो अगर आप नेकेड एक एग्जांपल यहाँ पे जो है लिखा है मोटा मोटा यहाँ पे कि अगर आप 1600 की जून मंथ की जो मंथ एंड की स्ट्राइक है उसको अगर आप शॉर्ट करते हो तो लगभग आपका 130,000 के आसपास चाहिए, ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है। एक्चुअल में जो है थोड़े चेंज होते रहते हैं, वोल्टिलिटी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है NSE इसको अपडेट करती है, स्पैन मार्जिन उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़े चेंज होते रहते हैं। ओके, तो 130,000 के अप्रोक्स जो है आज के टाइम पे आपको एक नेकेड ऑप्शन जो है सेल करने के लिए चाहिए, ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है आपके स्ट्राइक के
ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्ट्रैंगल ट्रेड करते हो तो लगभग आपको जो है 1,60,000 के आसपास जो है मार्जिन चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा कि 1,600 की कॉल है और 15,000 की जो है 15,500 की जो है पुट है। अगर आप ऐसे स्ट्रैंगल बनाते हो तो आपको जो है लगभग 1,60,000 जो है कैपिटल की रिक्वायर पड़ेगी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सेम टाइम पे अगर आप आयरन कंडोर जो है बनाते हो इसी स्ट्रेटजी को, इसी स्ट्रेंगल को, अगर आप 200 पॉइंट का यानी कि 16,300 का अगर आप बाय कर लेते हो और साथ में जो है नीचे 15,200 का बाय कर लेते हो, यानी कि इसको जो है आपने 200 पॉइंट नीचे आपने हैज कर लिया और इसको जो है ऊपर 200 पॉइंट हैज कर लिया, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो जो है 60,000 ही है। आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो रिडक्शन है वो ड्रास्टिकली है। क्या प्रीमियम में भी इतना रिडक्शन होगा? नहीं, प्रीमियम में जो है इतना रिडक्शन नहीं होगा। नॉर्मली जो हम ट्रेड करते हैं, आप समझो कि नॉर्मली अगर आप 40-40 रुपए की अगर आप स्ट्राइक जो है सेल करते हो, जो 9 दिन की 10 दिन की स्ट्रेटजी है उसमें 40-45 रुपए की अगर आप स्ट्रेटजी सेल कर रहे हो, आप जो है एग्जांपल के लिए अगर आप 80 रुपीज यहां पे कलेक्ट कर रहे हो स्ट्रेंगल में, ओके, और आयरन कंडोर बनाने में उसमें अगर आप साथ में 15 रुपए वाली भी कोई स्ट्राइक बाय करते हो तो दोनों साइड आपका 30 रुपए चला जाता है एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, मान लेते हैं कि 40-40 की जो है दो स्ट्राइक आपने सेल की, यहाँ पे क्या किया साथ में जो है आपने बाय कर लिया 15-15 की स्ट्राइक, तो यहाँ पे आपको नेट जो प्रीमियम कलेक्ट हुआ वो 50 रुपये है। तो मैक्सिमम प्रीमियम जो है आपका कलेक्शन का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया। लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे आपको मार्जिन कितना लग रहा था, तो आपको जो है यहाँ पे लगभग 1,60,000 में 80 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला था और यहाँ पे जो है आपको 60,000 में 50 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है। तो जब आप रिटर्न ऑन कैपिटल यानी जो डिप्लॉयड कैपिटल है उस पे काउंट करोगे तो ये कहीं ना कहीं जो है फार बेटर निकल के आएगी। तो भले ही प्रीमियम हमको कम मिल रहा है लेकिन यहाँ पे जो है डेफिनेटली जो मार्जिन रिक्वायरमेंट की वजह से इसने जो है जो ओवरऑल हमेशा स्ट्रेंगल बेस्ड स्ट्रेटजी हुआ करती थी उसको भी जो है यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। ऐसा क्यों कहा कि मैंने एक साल पहले जो है ये नहीं हुआ करती थी, क्योंकि एक साल पहले जो है इसमें जो है इतना ज्यादा मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलता था और साथ में हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो जो रिटर्न ऑन डिप्लॉयड कैपिटल है वो कम मिलता था। लेकिन जो लास्ट से सेबी के जो नए मार्जिन फ्रेमवर्क आए हैं, जो हेज स्ट्रेटजी है उनको जो है थोड़ा सा मार्जिन कम रिक्वायर हो और जो नेकेड स्ट्रेटजी है अनलिमिटेड जिसमें लॉस का पोटेंशियल है उसमें जो है मार्जिन बढ़ा दिए गए, तो उसके बाद जो है ये डिफरेंस जो है मार्जिन बेनिफिट का काफी ज्यादा इसमें क्रिएट हो गया। ओके, तो आपको मार्जिन का बेनिफिट समझ में आया। तो अगर आप आयरन कंडोर ट्रेड करते हो तो यहां पे जो है आप कम पैसे में लगभग उतने ही परसेंटेज का जो रिटर्न है वो गेन कर सकते हो। और दूसरी इसमें अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि स्ट्रेंगल में जस्ट खास करके जो स्टॉक्स काफी ज्यादा वोलेटाइल है ओके, उनके जो है मार्जिन पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप किसी वोलेटाइल स्टॉक्स के ऑप्शन के स्ट्रेंगल बनाना चाहते हो तो उसमें जो है 3-3.5-3 लाख रुपए तक की रिक्वायरमेंट आ जाती है। अगर आप आयरन कंडोर बनाना चाहते हो तो उसी में जो है आप 1-1.5 लाख में बना सकते हो ओके। जैसा कि जो स्टॉक काफी ज्यादा गिर जाते हैं, उठ जाते हैं या फिर बड़ी मूव जिनमें आ जाती है उनके जो पीक मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है एनएससी के जो रूल है, और आप जो है देखिए कि डेली जो है मार्जिन फाइल डेली अपडेट होती है उसमें ओके। तो कहने का मतलब ये है कि कम मार्जिन में यहाँ पे आप सेम जो है ऑप्शन सेलिंग का कंसेप्ट प्रैक्टिस कर सकते हो ओके। अब बात आती है कि इस स्ट्रेटजी में हमको प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, तो प्रॉफिट जो है वही होगा जो हमको ऑप्शन के सेलिंग पे होता है। अगर जो अंडरलाइंग इंडेक्स है या स्टॉक है अगर जो हमारी डिफाइंड रेंज है जो ब्रेक इवन रेंज है उसके अंदर आएगा तो जो है हमको पूरा प्रॉफिट मिलने वाला है ओके। और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वही होगा जो ऑप्शन सेलर को होता है, क्या जो आपने प्रीमियम कलेक्ट किया। तो जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया, आपने 40-40 की दो स्ट्राइक बेची, कॉल का 40, पुट का 40 और साथ में आपने जो है 15-15 की जो है हेजिंग के लिए बाय कर ली, तो आपको जो नेट प्रीमियम कितना मिला 50 रुपीज, 80-30, तो 50 रुपीज ही आपका जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है, 50 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। मैक्सिमम लॉस कितना होगा यहाँ पे, तो क्योंकि आयरन कंडोर में हमको पहले से लॉस डिफाइन है तो जो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा जो स्प्रेड है हमारा, उस स्प्रेड में से हमने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है उसको रिड्यूस कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। कैसे, जैसे कि हमने जो है अभी स्प्रेड की बात की, स्प्रेड कितना था हमारा यहाँ पे 200 रुपए का स्प्रेड था, 200 रुपए जो है हमने 200 पॉइंट दूर की जो है हमने हेजिंग की थी, तो हमने प्रीमियम कलेक्ट कितना 50 का ओके। तो मैक्सिमम जो है आपका लॉस 150 पॉइंट का है। अब आप बोलोगे यार 150 पॉइंट का लॉस
आपको जो है यहाँ पे ₹50 मिलेंगे 150, तो वो आपके डिपेंड करता है रिस्क टू रिवार्ड कितना रखना चाहते हो। स्ट्रेंगल में क्या था, स्ट्रेंगल में तो अनलिमिटेड था ना, रिस्क अनलिमिटेड था स्ट्रेंगल में, तो वहाँ पे भी तो आप ट्रेड कर रहे थे ना, ₹80 के लिए आप अनलिमिटेड रोज को ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ पे आप 50 के सामने 150 ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि 150 हर बार हिट होगा, आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, आपको ट्रेड भी करना पड़ेगा, कई बार आपको बिना एडजस्टमेंट के पूरा पैसा मिल जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको ट्रेड कैसे करते हो। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लॉस क्या होगा, जो हमारा स्प्रेड है उसमें से जो हमने प्रीमियम गेट किया है उसको रिड्यूस कर देंगे, तो जो है मैक्सिमम लॉस आ जाएगा। कई बार जो है अनबैलेंस बनाते हैं, अनबैलेंस का क्या मतलब क्या है, कई बार हमको लगता है कि मार्केट जो है नीचे तो जा सकता है, ऊपर जो है ज्यादा नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अभी मार्केट यहाँ पे है, तो हमने जो नीचे की स्ट्राइक बेची है वो 400 पॉइंट दूर थी, ओके, और जो हमने कॉल बेचा है वो सिर्फ 300 पॉइंट दूर था, ओके। तो इस केस में क्या होगा, हमने यहाँ पे हेजिंग कर लिया, अभी हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर तो जाने वाला नहीं है, इधर हमने 300 पॉइंट का हेजिंग कर लिया, इधर हमने 200 पॉइंट का हेजिंग कर लिया, तो अभी क्या होगा यहाँ पे, अभी जो है जो आयरन कंडोर हमारा बनेगा वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस का मतलब क्या है कि जो ये लेग है मैक्सिमम लॉस की दोनों साइड जो है ऊपर नीचे अलग हो सकती है, ओके। तो ऊपर नीचे अलग हो सकती है, उस केस में मैक्सिमम लॉस क्या होगा, मैक्सिमम लॉस इसी साइड होगा, तो जो हमने बड़ा स्प्रेड बनाया है, इस साइड हमने 300 पॉइंट का बनाया था, ओके, तो बड़ा स्प्रेड माइनस में प्रीमियम रिसीव्ड, बड़ा स्प्रेड कितना था 300 का माइनस में 50, तो हमारा जो है मैक्सिमम लॉस कितना होगा 250, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस इतना ही होने वाला है अगर मार्केट इस साइड जाएगी, तो इस साइड जो है कम होने वाला है। तो कई बार जो है मार्केट में ऐसा लगता है कि व्यू थोड़ा सा बायसनेस है, बुलिश रह सकता है या फिर थोड़ा सा बेयरिश रह सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम अपनी जो स्ट्राइक है सिलेक्शन को उसको चूज कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे बात आती है कि अब ब्रेक इवन क्या आएगी, जो हमने ब्रेक इवन डिस्कस किया कि मार्केट जो है अगर इस रेंज में रहेगी, ओके, इस रेंज में रहेगी तो हमारा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस रेंज में। तो ये रेंज क्या है, ये रेंज तो हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट की है, और ये रेंज क्या है ब्रेक इवन की, अगर इसके अंदर रहती है तो हमको जो है लॉस नहीं होगा। तो ये ब्रेक इवन रेंज कैसे निकल के आएगी, जो आपने पुट का जो है स्ट्राइक शॉर्ट की है, ओके, जैसे कि यहाँ पे आपने जो भी स्ट्राइक यहाँ पे शॉर्ट की, इसमें से हम प्रीमियम रिसीव्ड जो घटा देंगे तो नीचे की रेंज होगी। जो हमने कॉल शॉर्ट की है, ये हमने जो कॉल शॉर्ट की है इसमें अगर हम प्रीमियम ऐड कर देंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने जो है यहाँ पे 16,100 की बात की है, ओके, तो 16,100 में अगर हम 50 जोड़ देंगे तो ऊपर की रेंज क्या आ जाएगी हमारी 16,150, ओके, 16,150, सॉरी इसको दोबारा लिखते हैं 16,150, और नीचे की क्या रेंज, नीचे क्या थी हमारी स्ट्राइक 15,500 थी, 15,500 में अगर हम 50 जो है रिड्यूस कर देंगे तो 15,450, ओके, तो ये हमारी जो है ब्रेक इवन हो जाएगी। मार्केट इस रेंज में रहेगा तो हमको जो है प्रॉफिट होने वाला है, और इस रेंज में रहेगा तो जो है हमने जो शॉर्ट स्ट्राइक है उनके बीच में रहेगा तो हमको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है, ओके। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कंप्लीट ये सेम है, मार्केट भले ही यहाँ पे 15,600 पे एक्सपायरी करे या फिर जो है यहाँ पे 16,100 के जस्ट एक पॉइंट नीचे एक्सपायरी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पूरे रेंज में जो है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट सेम ही होने वाला है। अब बात आती है कि पे ऑफ कैसा बनेगा, इसका पे ऑफ हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। पे ऑफ आप वैसे तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ही दिया, आपने देख लिया होगा यहाँ पे कि ये स्ट्रेटजी हमारी कैसे है, जैसे कि वहाँ पे स्ट्रेंगल में कैसा बन रहा था, स्ट्रेंगल में तो कुछ ऐसा बन रहा था अनलिमिटेड था, अब यहाँ पे प्रीमियम कलेक्शन जो है थोड़ा कम है, तो जो है हमारी ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा पे ऑफ बनेगा, और सर्कल कैसे बनेंगे पे ऑफ के, वैसे ही बनेंगे जो हमने पहले डिस्कस किए थे कि पहले दिन जो है हमको पूरा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, मान लेते हैं कि हमारा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट का पे ऑफ है, ये हमारा जो है हमारा मैक्सिमम लॉस है, ओके, ये जो है हमारी ब्रेक इवन है। तो पहले दिन तो जो है आपके ट्रेडिंग के पहले दिन तो सर्कल कुछ ऐसा ही बनेगा पे ऑफ का, दूसरे दिन जो है जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये बड़ा होता जाएगा, तीसरे दिन जो है और बड़ा होता जाएगा, और एक्सपायरी वाले दिन जो है और नज़दीक जो है इसके आ जाएगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको जो है एक्सपायरी पे ही होगा। ऑप्शन सेलर के लिए जो है ये एक टाइम बाउंडेशन है कि उसको अगर पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आपको एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा, और ऑप्शन बायर को जो है प्रॉफिट कभी भी हो सकता है, एक मिनट में दो मिनट में उसको जो है अपना जो मैक्सिमम टारगेट है मैक्सिमम प्रॉफिट का जो एम है वो मिल सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलर को जो है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा। तो पे ऑफ जो है इसके ऐसे ही बनेंगे, जो हमने स्ट्राइक सेलेक्ट की है उसके जो हमने प्रीमियम गेट किए हैं, और जो हमने स्ट्राइक सेल की बाय की है उसका जो हमने प्रीमियम पे किया है, उनका डिफरेंस हमारा ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो है रहने वाला है, जो हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है और जो स्प्रेड का डिफरेंस है ये जो है हमारा मैक्सिमम लॉस रहने वाला है। तो काफ़ी सिंपल है ये चीज़ें जो है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, आपको मालूम होगी, वरना आप जो है बिल्डर में भी देख सकते हो, जब आप बिल्डर में अलग अलग स्ट्राइक चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका पे ऑफ कैसा बनेगा, उसको जो है आप डे वाइज चेक कर सकते हो, ओके। अब बात आती है कि एग्जीक्यूशन की,
एजुकेशन कैसे करना है आपको इसको, एजुकेशन जो है कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, जैसे कि नॉर्मली बेसिक ऑप्शन सेलिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नेकेड में, स्प्रेड में और स्ट्रेडल में और फिर स्ट्रैंगल में, आयरन फ्लाई में, तो वो कंसेप्ट सब यहाँ पे रहने वाले हैं। आपको जो है एंट्री कब लेनी है, 9 दिन पहले लेना चाहते हो आप, 10 दिन पहले लेना चाहते हो, वो एक अच्छा सेटअप है। अगर आप वीक टू वीक जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमने वहाँ पे देखा कि बैक टेस्टिंग में इतना ज़्यादा जो है रिजल्ट मिला नहीं जितना 9 दिन और 10 दिन के जो ट्रेड देते हैं, वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ट्यूजडे को या फिर पहले आप मंडे को एंटर कर लो और नेक्स्ट मंडे तक ही आप उसको जो है प्रॉफिट बुक कर लो, वो एक जो है अच्छी स्ट्रैटेजी है। ओके, और फिर जो है स्ट्राइक सिलेक्शन आप डिपेंड करता है कि कितना रिस्क टू रिवार्ड लेना चाहते हो, कितना प्रॉफिट जो है आप एम कर रहे हो, आपकी जो है आईवी कितनी है, आईवी बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो जो ऑप्शन सेलिंग के बेसिक कंसेप्ट हैं वो एज इट इज लागू होंगे इस पे भी, क्योंकि नेट जो है यहाँ पे हम प्रीमियम सेल ही कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग की ही स्ट्रेटेजी है। ओके, और तो वो स्ट्रेटेजी आपको जो है स्ट्राइक की, सिलेक्शन की, आईवी की बिहेवियर, वो एज इट इज ही रहेंगी, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो। ओके, और इसके बाद जो है एग्जीक्यूशन जो मेन पार्ट आता है, जो नए लोग आते हैं उनको ये दिक्कत आती है, जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आपका पैसा तो सिर्फ 60,000 ही यहाँ पे रिक्वायर्ड है, लेकिन जब आप ट्रेड करने जाते हो तो प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने पहले कॉल सेल करने की कोशिश की या पहले पुट सेल करने की कोशिश की, तो वहाँ पे आपको जो है रिक्वायरमेंट दिखा रहा है 1.25 लाख की, 1,30,000 की। अब आपके पास अकाउंट में है 1,00,000 रुपये, आप जो है इसको ट्रेड करना चाहते हो, आपने जो है कॉल सेल करने की कोशिश की लेकिन वो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि आप पहले जो है नेकेड कॉल बेच रहे हो, उसमें मार्जिन आपको ज़्यादा चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल का इशू नहीं है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले कॉल ट्रेड कीजिए, आप पहले सेल कीजिए, आप पहले पुट सेल कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास मार्जिन कम है या फिर आप बड़ी क्वांटिटी में एक साथ ट्रेड कर रहे हो, तो आप जो है एंट्री के टाइम पे जब आप इसमें एंट्री ले रहे हो तो हमेशा जो है ऑप्शन बाय करो। जब आप ऑप्शन पहले बाय कर लोगे फिर सेल करोगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा मार्जिन की रिक्वायरमेंट के मैसेज नहीं आएंगे ब्रोकर की तरफ से। जो एग्जिस्टिंग पोजिशन आपने बाइंग की बना ली, फिर आप सेल करोगे तो आपको जो है जो एक्चुअल रिक्वायर्ड मार्जिन है उसका जो है ब्लॉक होगा, उससे ज्यादा आपकी कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी। ओके, जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो कुछ ब्रोकरों के साथ ऐसा है कि अगर आपने जो है जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने जो है लॉन्ग पोजीशन जो ऑप्शन पहले बाय किए थे वो निकाल दिए, तो आपके भी जो पोजीशन क्या बची, जो शॉर्ट की हुई है, भले ही आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है, एमटीएम आपका प्रॉफिट में है, लेकिन क्योंकि जैसे ही आपने लॉन्ग पोजीशन निकाली आपका अकाउंट जो है हैविली नेगेटिव चला जाएगा। मैंने आपके साथ एग्जांपल जो है एक पहले शेयर भी किया था, आई थिंक अपस्टॉक का एग्जांपल था कि वहां पे जो है ऐसी जो है आयरन काउंटर की स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी, क्योंकि वहां पे क्वांटिटी ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दोनों साइड जो है 20-20 लोड जो है क्वांटिटी अप्रोक्स थी, तो जैसे ही बाइंग की क्वांटिटी पहले निकाल दी उस टाइम क्या हुआ कि वो अकाउंट जो है नेगेटिव में चला गया, क्योंकि वहाँ पे आप समझिए कि लगभग जो है 40 लोड यानी कि 20 लोड कॉल के 20 लोड पुट के दोनों साइड जो है नेगेटिव शॉर्ट हो गए, तो अकाउंट जो है नेगेटिव चला गया उस टाइम पे, और ब्रोकर ने जो है सारी पोजीशन जो इंट्राडे की भी पोजीशन थी, दूसरी पोजीशन भी थी आयरन कंडोर के अलावा, वो सब पोजीशन जो है उसने ऑटोमेटिक स्क्वेयर ऑफ कर दी। तो ऐसी दिक्कत ना हो इसके लिए क्या करना है आपको कि आपको पहले जो है जो सोल्ड है जो आपने बेचा हुआ है वो पहले निकालना है। अगर आप जो आपने सेल किया है वो पहले निकाल दोगे तो आपके अकाउंट में कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं जाने वाला, आपके अकाउंट में जो है मार्जिन अनब्लॉक हो जाएगा, फिर जो है जो प्रीमियम आपने बाय किया हुआ है सिर्फ वही ब्लॉक रहने वाला है, और जब आप उसको सेल कर दोगे तो जो प्रीमियम आपने सेल किया है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एंट्री के टाइम पे ध्यान रखना है कि पहले आप ऑप्शन जो बाय करने हैं बाइंग वाली लेग को एग्जिट करो, एग्जिट के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आप जो है इसको पहले सेल वाली को निकालो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इस स्ट्रेटेजी को जो है एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं? हाँ, होल्ड कर सकते हैं, अगर हमारी चारों ही स्ट्राइक जो है ओटीएम हो गई है तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपकी कोई स्ट्राइक जो है इन द मनी भी हो गई है तो आप भी उसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये जो है आपका वहाँ पे अगर इंडेक्स है तो कैश सेटल हो जाएगा। आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी कोई बाइंग वाली जो स्ट्राइक है वो अगर इन द मनी आ गई है तो फिर जो है आपको वहाँ पे एसटीटी का इशू रह सकता है, क्योंकि इंडेक्स में भले शॉर्ट वाली आपकी इन द मनी हो जाए वो जो है आपकी कैश सेटल हो जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बाइंग वाली है वहाँ पे थोड़ा सा एसटीटी फालतू लगेगा। हालांकि इतना फालतू नहीं है, अभी उतना ज़्यादा नहीं लगता जितना पहले जो है एक साल पहले लगता था। एक साल पहले जो है पूरा स्ट्राइक की इनटू में जो स्ट्राइक है उसकी जो वैल्यू है यानी कि अगर निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10 लाख है तो 10 लाख पे जो है लगता था, अभी जो है सिर्फ प्रीमियम के टर्नओवर पे जो है वो लगता है। ओके, तो
आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड रखना चाहते हो रख लो, वरना जो है कोशिश करो कि इसको जो है आप एक्सपायरी वाले दिन 3:30 बजे जो है मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा उसको निकाल सकते हो, उस कैपिटल को आप दूसरी ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको ट्रेड की जरूरत नहीं है तो उसको जो है आप एक्सपायरी में सेटलमेंट के लिए जाने दे सकते हो। तो अब बात आती है कि क्या स्ट्रेटजी में हमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि लॉस जो है प्री डिफाइंड है और हमको पहले से रिस्क रिवार्ड पता है, क्या फिर भी हमें एडजस्टमेंट की जरूरत है? इंडेक्स में ट्रेड करोगे तो ज्यादातर बार जो है शायद इसमें एडजस्टमेंट ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी ज्यादा प्रॉफिट के लिए या फिर जो प्रॉफिट है उसको सेव करने के लिए या जो लॉस मैक्सिमम हो रहा है उसको भी कम करने के लिए जो है हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और एडजस्टमेंट जो है एक ट्रेडर का काम है, ऑप्शन सेल करके जो है हम ऐसे नहीं बैठ सकते कि हमने सेल कर दिया और उसको जो है हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलर इनकम की बात कर रहे हैं तो आपको रेगुलर एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। तो अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं ऑप्शन सेलिंग का, स्ट्रैडल का और स्ट्रैंगल के एडजस्टमेंट का, तो आपको पहले से मालूम है कि इसको एडजस्ट कैसे करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं जो इस सीरीज को पूरा फॉलो कर रहे हैं, स्किप नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे कि इसको आप जो है कैसे एडजस्ट कर सकते हो, उसको जो है एक बार रिमाइंड कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।